गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और ये मेरी न्यू वीडियो है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट करता हूँ और कौन से ऐप से करता हूँ। और मैंने बोला था कि हर वीडियो शायरी से ही स्टार्ट होगी, तो मैं इसमें भी आपको एक शायरी सुना देता हूँ। अच्छी लगे तो वाह वाह कर देना कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। तो अभी यार धूप हो रखी थी यहाँ पे, क्योंकि सर्दी ख़त्म होने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही, मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट एक वीडियो शूट कर ली जाए। और मैं इसमें आप लोगों को बता दूंगा कि मैं अपना ब्लॉग कैसे शूट करता हूँ और कौन सा ऐप यूज करता हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो वीडियो में आगे बने रहना और मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो चलो चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पर और ऐसे ही वीडियो पूरी देखना। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कौन से ऐप से अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। तो ये रहा आपने सुना हुआ काइन मास्टर। काइन मास्टर से मैं अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दे के रखे हैं। ये रहा जिससे आप लोग वीडियो एडिट करें, ये रहा आपके पहले स्क्रीन पे सामने ही खुलेगा, ऐसा उसका फेस आएगा ऐप का। तो आप इस पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और 16:9 ये यूट्यूब का होता है। और इधर भी हैं काफ़ी, जैसे कि इंस्टाग्राम की वीडियो भी यहाँ से बना सकते हैं। तो 16:9 पे जाना है क्योंकि हमें तो यूट्यूब की वीडियो बनानी, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना और ये आपकी मीडिया खुल के आ गई। जो भी आपने वीडियो बना के रखी होगी वो मीडिया आ जाएगी यहाँ पे। और मैं अपनी ये एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर ली और ये देखो ये मेरी पूरी वीडियो आ गई। और इस वीडियो में मैं अगर आप जैसे कि किसी वीडियो में आवाज़ कम होती है तो मैं इसमें आवाज़ बढ़ाना चाहूँ तो वीडियो पर क्लिक करें और इधर साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद ये मिक्सर के नीचे जो लाइन बनी है 100 200 जैसी आप करना चाहें वैसी अपनी आवाज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आवाज़ आपने बढ़ा दी है तो ये राइट इस साइड राइट का टिक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। और जैसे कि अगर आपको अपनी वीडियो में कुछ भी लिखना है तो ये लेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, इफ़ेक्ट और टेक्स्ट हैंड राइटिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ से मीडिया पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे कि मुझे इस वीडियो के नीचे अपनी सब्सक्राइब की बटन लगा रही है, तो वीडियो में सब्सक्राइब बटन चलाना, तो मैंने ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया और अभी ये ग्रीन लिख के आ रहा है। तो नीचे आने के बाद स्क्रॉल करना आप लोग और यहाँ पर एक बटन दिख रही है क्रोमा की करके, इस पर क्लिक करना और ये आप जैसे ही इसको क्लिक कर देंगे ये यहाँ पे वीडियो पूरी। गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया। ये जो ग्रीन सा निशान है वो हट जाएगा और आप इसको लगा सकते हैं, जैसे कि इसे अगर आपको लास्ट तक चलाना है ये सब्सक्राइब का बटन तो आप यहाँ पे क्लिक करना और ये नीचे जो नीली लाइन दिख रही है लास्ट तक ले जाना इसको। ये नहीं हो रही क्योंकि ये वीडियो में इतनी है तो इसीलिए नहीं हो रही। देखो अब मैं दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने टेक्स्ट में लिखा है अपना चैनल लिखता हूँ सब्सक्राइब। अगर आपको सब्सक्राइब लास्ट तक चलाना है, जैसे कि ये रहा सब्सक्राइब, इसको यहाँ पे लगा दिया। और अगर सब्सक्राइब में कलर भरने हैं तो ये रहा ऑप्शन कैंची के बगल में, यहाँ पर आप रेड करके सही पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो रेड हो गया। और उसके पीछे अगर आपको बैकग्राउंड में कोई लगाना है या इसके फ़ॉन्ट बदलने हैं तो ये रहे इसके फ़ॉन्ट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी करनी हो आप, जैसे भी आपको अच्छे लगे। तो अभी इसका बैकग्राउंड देखो हम करके दिखाते हैं, ये रहा इसका बैकग्राउंड का ऑप्शन और ये रहा इसको देखो हम ब्लैक करेंगे इसका बैकग्राउंड पूरा, तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। और ये अगर सब्सक्राइब आपको शुरू से लास्ट तक चलाना है तो इस पर क्लिक करें और वीडियो के एंड तक ले जाएँ इसको, स्क्रॉल करते 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 और ये यहाँ तक आ गया। और सही के बटन पे क्लिक कर दें और अगर हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे तो देखना ये कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो।
और ये मेरी न्यू वीडियो है, तो मैं इसमें और अगर आप लोग इसमें गाना लगाना चाहते हैं, कोई म्यूजिक वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो पे आना, और यहाँ पे आने के बाद ये सॉन्ग का ऑप्शन दे रहा है। इसमें आपकी जो भी एल्बम होगी वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं ये म्यूजिक लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको लगा दिया। और ये देखिए, ये इसके नीचे आ गया। अब ये वीडियो के साथ साथ ही म्यूजिक बजता रहेगा। और अगर आपको म्यूजिक की आवाज़ कम करनी है तो म्यूजिक के ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, वो म्यूजिक की जो लाइन चल रही है उस पर क्लिक करना, उसको आप म्यूजिक की आवाज़ कम कर सकते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर म्यूजिक की आवाज़ भी कम होगी और ये मेरी न्यू वीडियो है, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मैं, और अगर आपको अपनी वीडियो में जैसे कि इसको बीच में से कट करना है इस वीडियो को, तो आप वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे कि ये रहा। अगर स्पीड इसकी कट करना है तो ये कैंची का ऑप्शन, अगर आप इसको ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड का सारा सब कुछ कट जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने लेफ़्ट किया और ये देखो कट गया, बीच से आएगी वीडियो। ये मेरी न्यू वीडियो है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ, ये बीच से कट के आ गई। और अगर आपको अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाना है तो वीडियो पर क्लिक कर दें, वीडियो की जो लाइन चल रही है उस पर क्लिक करें, और स्पीड पे यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपनी इस वीडियो की स्पीड बढ़ानी है, तो देखो मैं बढ़ा के दिखाता हूँ YouTube की वीडियो कैसे देखो एडिट करता हूँ और कौन से ऐप से करता हूँ। और अगर इसकी इसको नॉर्मल करना है तो वापस आप वहीं पर ले आइए इसी के ऑप्शन पर, और यहाँ पर क्लिक करके सही रखिए। और अगर आपको अपनी और भी कोई चीज़ इसमें जोड़नी है, जैसे कि आपको इसमें अपनी कोई फ़ोटो वगैरह जोड़नी है, तो आप मीडिया पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, जैसे कि मैं अपनी ये फ़ोटो ले रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ से जाएगी यहाँ पे। अगर मुझे मतलब इसके ऊपर कोई फ़ोटो जोड़नी है तो आप यहाँ पर आना लेयर पर, लेयर के बाद मीडिया के ऑप्शन क्लिक करना और यहाँ से अपनी फ़ोटो लेना। ये देखो इसके ऊपर फ़ोटो लग जाएगी, जैसे कोई भी चीज़ लगानी है शुरू से लास्ट तक वो यहाँ पे लग जाएगी। अगर अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आपको साइड में ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा की के नीचे, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगी और वीडियो ऐसी अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो में आपको साइड में वीडियो के साइड में अगर आपको ब्लैक शैडो लगाना है हल्का सा, तो ये रहा एक ऑप्शन, वीडियो पे क्लिक करना, उसके नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिप के नीचे, और वॉल्यूम के ऊपर बीच वाला ऑप्शन है उसको आप इनेबल कर देना, तो ये वीडियो के आसपास शेडो लग जाएगी। देखो ऐसी चलेगी, ये मेरी वीडियो है, तो मैं अगर ये वीडियो सिंपल रखते हैं तो ये ऐसी रहेगी। और इसके फ़िल्टर की बात की जाए तो ये रहे इसके फ़िल्टर काफ़ी अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा लें, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा, आप वीडियो के ऊपर क्लिक करना, आपको साइड से ऑप्शन मिलेगा, देखो ये फ़िल्टर लग गए। और अगर आपको वीडियो में और भी जैसे कि आपको कलर, जैसे कि इसकी वीडियो की आवाज़ को पहले हल्की करना है, फिर आगे चल के इसको ज़्यादा करना है, और वीडियो अगर करना है तो आप वीडियो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ इस ऑप्शन पर आ जाएँ वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ से आप वीडियो की आवाज़ हल्की भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे आपको ये लाइन दिख रही होगी वीडियो के बीच में चलती हुई, और ये देखो हम यहाँ से बढ़ाना चाहें तो ये आवाज़ यहाँ से बढ़ भी सकती है, और इसके आगे ऑफ पीछे आगे जाके मैं इसको घटाना चाहूँ तो घट भी सकती है। तो इसी तरह देखा वीडियो की आवाज़, ये मेरी न्यू वीडियो है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बढ़ गई यूट्यूब की वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, और यहाँ पर कौन से ऐप से आपकी आवाज़ घटती बढ़ती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, पार्ट दो में कर दूँगा, पर आप लोग ऐसी वीडियो में बने रहना, और अच्छी लग रही है तो आप दिल से धन्यवाद, सब्सक्राइब वगैरह कर देना अगर करना चाहें तो, और मैं इसका अच्छे से वीडियो बनाऊँगा जब, तो इसका पार्ट टू भी ला दूँगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे पूरी बताने के लिए, और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं, हमें कमेंट कर देना, तो मैं आपको कमेंट में जवाब ज़रूर दूंगा।
शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।